अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का जनसंचार। जनसंचार में मुख्य रूप से हम देखेंगे रेडियो और दूरदर्शन को, उसके अलावा पत्र और पत्रिकाएं भी हैं, लेकिन हम उसको एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं का जो विकास है वह छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से है। मतलब जब यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जब भारत में, तो उस समय से जब जो पत्र पत्रिकाएं थी उनका जो प्रभाव भारत में था, वही प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, तो उसको हम हिस्ट्री के सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से रेडियो और दूरदर्शन का किस तरीके से विकास हुआ, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से वो आया, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो रेडियो का विकास हुआ, रेडियो केंद्रों की स्थापना की गई छत्तीसगढ़ में। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले लोग उतने ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, पहले लोग या तो तार भेजते थे या फिर लेटर भेजते थे, ठीक है, कम्युनिकेशन करने का सिर्फ दो तीन ही जरिया था। लेकिन अगर कोई सूचना सभी को पहुंचानी रहती थी या ब्रॉडकास्टिंग करनी रहती थी, तो उसके लिए ज्यादातर रेडियो का ही यूज किया जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी रेडियो से कनेक्ट हुआ 2 अक्टूबर 1963 में रायपुर में प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर बहुत सारे रेडियो केंद्र स्थापित हो चुके हैं जिसकी क्षमता जो है करीब करीब 100 किलोवाट की है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियो सेंटर की स्थापना जो है वो रायपुर में की गई थी 2 अक्टूबर 1963 को। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट ही पूछा जाता है कि कौन से डेट को स्थापित हुआ। तो कब हुआ, 2 अक्टूबर 1963 को पहला रायपुर में। उसके बाद दूसरा रेडियो केंद्र की स्थापना की गई अंबिकापुर में, जो सरगुजा में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है। अब इसी को और आगे बढ़ाते हुए, अब दो जगह, मतलब जो मिडिल वाला जो एरिया है उसको पूरा कवर हो गया रायपुर से। अब ऊपर का एरिया भी कवर हो गया आपका अंबिकापुर से। अब नीचे का एरिया को कवर करना था, इसीलिए जगदलपुर में 1970 में तीसरा रेडियो केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। इस तरीके से एक मतलब शुरुआत हो गई कि आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए रेडियो का, रेडियो केंद्र की स्थापना करना बहुत जरूरी था, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए बिलासपुर में 1991 में चौथा रेडियो केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर रायगढ़ में भी किया गया, ठीक है, ये बिलासपुर में भी किए, उसके बाद फिर रायगढ़ में भी किए। तो इस तरीके से ये जो है जो रेडियो केंद्र है वो बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में रेडियो केंद्रों की अभी वर्तमान में संख्या टोटल 6 है, ठीक है। छठवां जो रेडियो केंद्र है वो सरायपाली में स्थापित किया गया, ठीक है। इन्हीं को ही मतलब आकाशवाणी भी कहा जाता है, आकाशवाणी केंद्र कहा जाता है, और इसके माध्यम से बहुत सारी सरकार की नीतियों को भी बताया जाता है, और लोगों को बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसके उसको भी सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मुख्य रूप से किसान जैसे निवास करते हैं, तो किसानों का बहुत सारा प्रोग्राम दिया जाता है ना। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां रहती है उसका भी ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो या हेल्थ के बारे में बताया जाता है। कोई भी विपत्ति आती, कोई भी महामारी आती है, कोई भी चीज जो जरूरी है लोगों को जानने के लिए, वो सभी चीजों का ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। रायपुर का जो आकाशवाणी केंद्र है वहां पर बहुत सारे चैनल्स भी है, जैसे कि रेडियो मिर्ची है और रंगीला है ना, ज्ञानवाणी केंद्र भी है। तो हमेशा ये जो रेडियो है वो अपडेट होते रहता है, और ये अभी भी बहुत मतलब पॉपुलर है छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। छत्तीसगढ़ में जो दूरदर्शन केंद्र है उसकी शुरुआत 1977-78 में की गई थी, जो रायपुर का रिले केंद्र है, दूरदर्शन रिले केंद्र जिसे कहा जाता है, वो सबसे पुराना रिले केंद्र है। इसी की स्थापना 1977-78 में की गई थी। इसका जो स्थापना है उस समय संचालित साइट परियोजना के तहत किया गया था। वर्तमान में 3 जगह पर दूरदर्शन केंद्र स्थापित है, और इन्हीं की सहायता से बाकी जगह छोटे छोटे केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसकी जो क्षमता है वो 10 किलोवाट की है, और 100 किलोमीटर की परिधि तक ये फैल सकती है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी 100 किलोमीटर तक की है। तो पहला जो केंद्र था वो था रायपुर
और उसके बाद अगेन अंबिकापुर, एंड थर्ड था जगदलपुर। ठीक है, अभी वर्तमान में रायपुर और जगदलपुर इन दो जगह स्टूडियो की स्थापना की गई है, जहां पर जो भी लोकल प्रोग्राम्स हैं वो सभी की रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उसकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, रमन का, जो रमन सरकार जी का जो रमन का गोट करके प्रोग्राम शुरू किया गया था 13 सितंबर 2015 को, ठीक है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यही की जाती है। हालांकि इसको मतलब FM के जरिए, है ना, रेडियो के जरिए इसको सभी जगह ब्रॉडकास्ट किया जाता है, पर इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। या किसानों से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज जो भी होती है उसकी भी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसके बाद बाकी जगह ब्रॉडकास्ट किया जाता है। रायपुर का जो रिले केंद्र है वो शंकर नगर में इसका हेडक्वार्टर है, और अभी वर्तमान में यहाँ की जो अध्यक्ष या फिर जो प्रमुख बोलना चाहिए वो है ममता चंद्राकर, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2016 का पद्मश्री इन्हीं को प्राप्त है। ठीक है, लोक रंग कर्मी कहा जाता है, ये गायिका है वर्तमान में, और यहीं पर रायपुर जो दूरदर्शन केंद्र है वहीं पर पदस्थ है।